हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन में हम आ रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो, शो दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने प्रूव कर रखा है, तो ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और हम इसको भी किससे सॉल्व, हम इसको किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडक्शन मेथड से, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम पी और क्यू को, ठीक है। सिंप्लीफाई करके किस में लिखेंगे हम, को प्राइम नंबर में, ठीक है ना। बाय सिंप्लीफाइंग, बाय सिंप्लीफाइंग पी अपॉन क्यू वी गेट ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, 2√5 ए अपॉन बी -3। हमें इरेशनल नंबर को एक तरफ रखना है, बस हमारा टास्क यही है। तो ये क्या हो गया, 2√5 बी, एलसीएम आ जाएगा इसका, ए -3b हो जाएगा इज इक्वल टू √5 क्या हो गया, देखो, ये ए -3b अपॉन में 2 × b हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, LHS तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और RHS क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। सिंस LHS इज एन इरेशनल नंबर वाइल RHS इज रेशनल नंबर, देखो, ए बी एक इंटीजर है, बी भी इंटीजर, और ये इसको सिंप्लीफाई करें तो भी इंटीजर आएगा, और हमें पता है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो LHS इज इरेशनल नंबर वाइल, जबकि RHS इज रेशनल नंबर। अब ये LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने माना है कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, जो कि क्या गलत है, ठीक है ना। सो आवर अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ठीक है। सो हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सेम इसके जैसा ही एग्जांपल है, पहले वो करेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या, देखो, शो दैट 5 − √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वही हम, पहले हमें पता है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम ये मान लें कि सिंस वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें पता है, ये हमने प्रूव कर रखा है। लेट अस अज्यूम दैट 5 − √3 इज ए रेशनल नंबर। तो मैंने 5 − √3 को
कैसे लिख दिया है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब पी और क्यू को सोल्व करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए अपॉन बी आ गया। अब ए अपॉन बी क्या है, देखो यहाँ पे को प्राइम नंबर है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फाइव माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फाइव ये माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा और ये अंडर रूट थ्री उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो बी, फाइव बी माइनस में ए आ गया। अब ये एल एच एस तो क्या है, इरेशनल नंबर है, और आर एच एस क्या है, रेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन दैट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये गलत है। हैंस फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर टेन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर टू हो चुका है। अब इसमें एक एग्जाम्पल बचा हुआ है और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टू ना वो अच्छे से समझ लो और उसको अच्छे से तैयार कर लो।